नवी मुंबई नेटवर्क। फास्ट ग्रोइंग नवी मुंबई सिटी में आज नवी मुंबई पुलिस के समक्ष सबसे बड़ा चैलेंज है साइबर क्राइम, और यही कारण है कि साइबर क्राइम की बढ़ती घटनाओं पर नकेल कसने और नवी मुंबई साइबर जांच टीम और साइबर सेल अपराध शाखा को और सक्षम बनाने के मकसद के साथ नवी मुंबई पुलिस आयुक्त मिलिंद भारंबे के नेतृत्व में नवी मुंबई साइबर जांच टीम और साइबर सेल अपराध शाखा में कार्यरत तमाम पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के लिए नवी मुंबई पुलिस आयुक्तालय के सहयोग से भारतीय विद्या भवन में 27 मार्च से 31 मार्च तक केएम मुंशी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के माध्यम से 5 दिवसीय डिजिटल फॉरेंसिक एंड साइबर क्राइम ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जहां साइबर सुरक्षा से जुड़े पहलुओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले दिन साइबर सेल के अधिकारियों और कर्मचारियों की बड़ी संख्या में मौजूदगी दिखाई दी। इस दौरान इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के पहले दिन विशेष तौर पर मौजूद थे नवी मुंबई पुलिस आयुक्त मिलिंद भारंबे, साथ ही उपस्थित थी फॉरेंसिक एक्सपर्ट रुक्मणि कृष्णमूर्ति, जॉइंट कमिश्नर संजय मोहिते, पुलिस उपायुक्त विवेक पानसरे, भारतीय विद्या भवन के चेयरमैन रामचंद्रन आदि तमाम मान्यवर। इस दौरान मिलिंद भारंबे ने नवी मुंबई करों को आगामी खतरे से आगाह करते हुए कहा कि आने वाले समय में साइबर अपराध सबसे बड़ा अपराध बनकर साबित होगा, और इसलिए जरूरी है कि आज साइबर सुरक्षा को लेकर हर व्यक्ति आगाह और जागरूक रहकर इसे रोकने का काम करे। पत्रकारों से बात करते हुए नवी मुंबई पुलिस आयुक्त मिलिंद भारंबे ने कहा कि आज तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी के कारण हर घर साइबर क्राइम का विक्टिम बन गया है, जिससे आने वाले दशक में साइबर और फाइनेंशियल क्राइम का डोमिनेशन होगा, और इसलिए जरूरी है कि अभी से पूरी टीम को सक्षम करना। नवी मुंबई पुलिस आयुक्तालय की लोक संख्या करीब करीब 50 लाख के दरमियान है, और यहाँ पर सभी तबके के लोग रहते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि साइबर क्राइम ये ऑलमोस्ट हर घर में घुस गया है, किसी ना किसी फॉर्म में हर घर साइबर क्राइम का विक्टिम है। तो नवी मुंबई पुलिस आयुक्तालय में हमने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का विस्तार करते हुए हर पुलिस स्टेशन, हर रेगुलर पुलिस स्टेशन में भी साइबर सेल शुरू किया है, और इसके लिए भारतीय विद्या भवन के पार्टनरशिप में हमने ये कोर्सेस ऑर्गेनाइज किए हैं, जिसमें साइबर क्राइम का इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से हमने एविडेंस कलेक्शन करना चाहिए, साइबर क्रिमिनल तक पहुंचना चाहिए, इन सब के लिए भारतीय विद्या भवन ने बहुत अच्छे रिसोर्स पर्संस यहाँ पर अवेलेबल कराए हैं। एक हफ्ता दो हफ्ते के ये कोर्सेस है, इससे हम अधिकतर हमारे पुलिस कर्मचारी और अधिकारियों को ट्रेनिंग देने की मंशा रखते हैं। हम देख रहे हैं गए कुछ सालों में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, या हमारी कंट्री की डेवलपमेंट हो रही है, फाइनेंशियली हम प्रगत राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें साइबर क्राइम का डोमिनेशन और फाइनेंशियल क्राइम्स का डोमिनेशन हमारे ओवरऑल क्राइम के फिगर्स में इसका परसेंटेज इंक्रीज होते जा रहा है। तो इस वजह से ऐसे लगता है कि आने वाले दशक में इसका परसेंटेज ऑफ क्राइम, ओवरऑल क्राइम्स में इसका परसेंटेज बहुत बढ़ेगा, और उसके लिए हमने सक्षम रहना चाहिए, और इस सक्षमता के लिए ही हमारे लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी बहुत ज़रूरी है, जो अभी हम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि साइबर अपराध का मुकाबला करने के लिए नवी मुंबई पुलिस का स्पेशल साइबर सेल और छोटे साइबर अपराध को डील करने के लिए पुलिस स्टेशन के साइबर सेल काम कर रहे हैं। नवी मुंबई का साइबर पुलिस स्टेशन, ये बेसिकली जो
इम्पॉर्टेंट साइबर क्राइम है जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी है या हायर लेवल का या हायर फाइनेंशियल अमाउंट्स के जो साइबर क्राइम्स रहेंगे उनका खास करके यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होगा, और जो छोटे साइबर क्राइम से उसके लिए हर पुलिस स्टेशन के साइबर सेल्स इसको डील करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अधिकतर साइबर आरोपी टीनेजर्स और अर्ली 20s के यंगस्टर्स हैं, जो सिर्फ बेसिक टूल के लूप होल का फायदा उठाकर अपने आपराधिक मंसूबों को अंजाम देते हैं। साइबर क्रिमिनल्स ये बहुत एजुकेटेड लोग नहीं हैं। साइबर क्रिमिनल्स का जितना एनालिसिस हमने किया था उसमें अधिकतर इसमें टीनेजर्स और अर्ली 20s वाले लड़के हैं। ये सेमी लिटरेट किस्म के लड़के हैं और इनको ये बेसिक टूल्स का ऑपरेट करना इनको आता है, और इमोशंस और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है इसका इसमें के लूपहोल्स निकाल के ये लोगों को विक्टिमाइज करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।